अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक हाई डिमांड पर मैंने बनाई है। लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं कि भाई आईपैड व्यू पर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया कि भाई आप ऐसा करिए, यूट्यूब पर जाकर यह टॉपिक सर्च करो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप तरीका सीख लीजिए और फिर अपना आईपैड व्यू जो है इनेबल कर लीजिए। लेकिन उनकी तरफ से जवाब आ गया कि भाई वो वाला जो यूट्यूब में तरीके बताया जाता है वो हमारे मोबाइल में वर्क नहीं करता है। तो मैंने सोचा यार चलो इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। सबसे पहले तो मैं YouTube पर आ गया और YouTube में तकरीबन 20-15 वीडियोस मैंने देखे, लेकिन वहाँ पर कोई कामन तरीका मुझे नहीं मिला। वहाँ पर जो तरीका बताया जा रहा था वो स्पेसिफिक मोबाइल के लिए ही बताया जा रहा था। तो फिर मैं गूगल पर आ गया और गूगल पर मैंने सर्च किया, तो फिर गूगल से भी मुझे थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा ही आंसर मिल गया। फिर मैं पबजी मोबाइल के जो क्रिएटर्स होते हैं उसको भी मैंने मैसेज कर दिया कि एक्चुअली ये आईपैड व्यू जो है ये इनेबल होता भी है या नहीं होता है। तो उनकी तरफ से जवाब आ गया कि भाई बिल्कुल ये आईपैड व्यू जो है इनेबल हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों से मैंने आइडिया आंसर इकट्ठा किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, दो स्टेप बताऊंगा, दोनों स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपका आईपैड व्यू जो है इनेबल नहीं हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है ताहिदुल, आप देख रहे हैं जायद खान स्किल्स यूट्यूब चैनल। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो फुल स्क्रीन करें ताकि मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को दो स्टेप बताऊंगा, दोनों स्टेप आपने गौर से देखने हैं और गौर से सुनने हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। जैसे मैं प्ले स्टोर पर आ गया, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है पबजी आईपैड व्यू। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पबजी आईपैड व्यू टूल, इसी तरीके से आप लोगों ने सर्च करना है आईपैड व्यू टूल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2024 या 2023, तो आप लोगों ने 2024 वाला देना है, ठीक है। आईपैड व्यू टूल 2024 जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने लिख देना है, उसके बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 90 FPS एंड आईपैड व्यू 2024, ये वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, आप लोगों ने जो है इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ओपन करना है। जैसे मैंने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले गेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका जो भी गेम है, BGMI है, पबजी मोबाइल है, तो आप कौन सा वाला जो है वर्जन यूज़ करते हैं। मैं ग्लोबल वर्जन यूज़ करता हूं, तो आप अगर ग्लोबल वर्जन यूज़ करते हैं तो आपने ग्लोबल वाले को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं ग्लोबल को ओपन कर लेता हूं, ग्लोबल वाले को ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग से मांगता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने एक फोल्डर सेलेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग के सामने इसी तरह यूज़ दिस फोल्डर, उसी पर आपने क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपके सामने ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने आ गया आईपैड व्यू। तो ये आप लोगों ने जो है ऑन कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मैंने ऑन कर दिया, ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके साथ दोबारा से ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने यूज़ दिस फोल्डर, उसी पर आपने अगेन क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अलाउ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये दूसरा वाला अल्ट्रा HD 60 FPS, ठीक है, उसको भी आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से आपने वही प्रोसेस जो है रिपीट कर देना है, यूज़ दिस फोल्डर पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने यूज़ दिस फोल्डर पर क्लिक किया और फिर से आपने जो है अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अलाउ पर क्लिक किया, अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाले भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जो है गेम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गेम को ओपन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है वाईफाई है, ये जो है यूनिवर्सिटी की वाईफाई है, इससे गेम ओपन नहीं होता है। तो आपके पास अगर इंटरनेट होता है तो इंटरनेट से जो है ना, मतलब डेटा वाला जो इंटरनेट है, तो उसी से आप जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है यूनिवर्सिटी की वाईफाई है, तो उससे मेरा जो है गेम ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप लोग जो है ना ये आईपैड व्यू जो है इनेबल कर सकते हैं। मजीद आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।